सूरत शहरना पांडेसरा विस्तारना बमरोली रोड पर युवकनी हत्या करनार आरोपी ने पांडेसरा पुलिसे झड़पी पाड्यो छे। आरोपी 24 वर्षथी नास्तो फरतो हतो ने आखरे 24 वर्ष बाद आरोपी ने पकड़वामां पुलिसने सफलता मळवा पामी छे। आरोपीए मिलमां काम करता कारीगर साथे नजीवी बाबते झगड़ो कर्यो हतो। आरोपी जेनी अदावत राखी तेना माथामां संचा मशीनो फटको मारी मौतने घाट उतारीने फरार थई गयो हतो। पांडेसरा पोलीसनी टीमे वर्ष 1999 पांडेसरा बमरोली रोड पर युवकने हत्या करनार आरोपीने झड़पी पाड्यो हतो। आरोपी 24 वर्षथी नास्तो फरतो हतो। पोलीसे आरोपी कैलाश प्रसाद उर्फे कालियो रामनिहोर केवटनी धरपकड़ करी हती। आरोपी हाल छेल्ला 6 महिनाथी पोतानी पेसेन्जर ऑटो रिक्षा कड़ोदरा अने कामरेज सुधी चलावतो हतो। हाल आ समग्र मामले पांडेसरा पोलीसे आरोपीनी धरपकड़ करी वधु तपास हाथ धरी छे। मळी आवती माहिती मुजब वर्ष 1999 मां पांडेसरा विस्तारमां आवेली मिलमां काम करता आरोपी कैलाश उर्फे कालियाने मिलमां साथे काम करता तेना मित्र राजु बलराम गुप्ता साथे नजीवी बाबते झगड़ो थयो हतो, जेनी अदावत राखी गत 15/5/1999 रोज 25 वर्षीय बिपेन माधव मिश्रा तथा राजु बलराम गुप्ता अने मुन्ना प्रसाद देवमणि प्रसाद पांडेसरा गणेशनगर दयानंद स्कूल पासेथी चालता पसार थता हता त्यारे आरोपी कैलाश उर्फे कालिया केवट अने तेना मित्र बन्ने हाथमां संचा मशीनो फटको लईने राजु बलराम गुप्ताने मारवा दौड्या हता। त्यारे त्यां हाजर बिपिन मिश्राए आरोपी कैलाश उर्फे कालियाने रोकी तेने समजावानी कोशिश करी हती, तो कैलाश उर्फे कालियाए रोषे भराईने बिपिन मिश्राने माथाना तथा शरीरना भागे संचा मशीनना फटका वडे जोरथी मारवा लाग्यो हतो। त्यारे बिपिन मिश्राने माथाना भागेथी लोही निकळवा लागता ते बेभान थई गयो हतो। आ दरमियान त्यां લોકોનું ટોળું એકઠું થતા આરોપી કૈલાશ ઉર્ફે કાલિયા અને તેનો મિત્ર બંને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા। ત્યારબાદ ઈજાગ્રસ્ત બિપિન મિશ્રાને મુન્ના પ્રસાદ દેવમણી પ્રસાદ સારવાર માટે નવી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા, જ્યાં તેનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું। આ મામલે પાંડેસરા પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો હતો, તેમજ આરોપી સામે CRPC કલમ 70 મુજબના પકડ વોરંટ પણ ઇસ્યુ થયું હતું। ત્યારે 24 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપીને પકડવા માટે પાંડેસરા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી। આ દરમિયાન માહિતી મળવા પામી હતી કે આરોપી કૈલાશ પ્રસાદ ઉર્ફે કાલિયો રામનિહોર કેવટ છેલ્લા એકાદ મહિનાથી પોતાના વતન મધ્યપ્રદેશના રીવા જિલ્લાના પોતાના ગામ ખાતે આવી માછીમારનો વેપાર કરે છે, જેથી 16 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ તેના વતન ખાતે પોલીસે એક ટીમ મોકલી હતી, પરંતુ આરોપી મળ્યો ન હતો। આ દરમિયાન પોલીસે વધુ તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપી સુરત શહેરના કડોદરા ખાતે કામ અર્થે આવેલો છે, જેથી પોલીસે આ મામલે તપાસ હાથ ધરીને આરોપીને કડોદરા ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો। પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર મેં 1999 મેં 15 સપ્ટેમ્બર 1999 મેં એક વિપિન માધવ મિશ્રા જો સાઈ સિનેમા કે સામને ગણેશનગર વડોદગામ સુરત મેં રહેતે થે ઇનકા મર્ડર હો ગયા થા। इनके मर्डर के आरोपी कैलाश प्रसाद उर्फ कालियो जो उस समय शांतानगर पांडेसरा में रहते थे और मूल रूप से ये दुल्हारा गांव सिरमौर रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ये तब से गायब हो गया था। कई बार इसकी तपास की वारंट भी निकला हुआ था, बहुत बार टीम ने इनकी तपास में मध्य प्रदेश में चक्कर लगाए। तो अभी पांडेसरा पुलिस स्टेशन की सर्विलेंस की टीम ये वहाँ पे रीवा में गए, वहाँ से आरोपी है उसका मोबाइल आरोपी ने अभी यूज करना शुरू किया, तो आरोपी का मोबाइल नंबर मिला, तो लोकेशन वगैरह निकलाई, तो सूरत का आरोपी की लोकेशन सूरत में पाई गई और आरोपी को अभी अरेस्ट कर लिया गया। तो 24 साल के बाद में ये आरोपी इस गुना में अरेस्ट हुआ है, और ये काफ़ी इसमें सराहनीय काम पांडेसरा पुलिस ने किया है। ये आरोपी के फोटोग्राफ्स हैं, वो पुराना उस समय का और अभी का। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, पहले तो इसका ट्रेस नहीं था, ये घर पे भी बहुत कम गया था पहले, शुरू में तो ये गायब भी हो गया था, बाद में घर आता जाता था लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, तो कंटिन्यू पुलिस वहाँ पे विजिट करती रही, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो लेकिन पुलिस के पास कोई सटीक माहिती नहीं मिली, तो इस बार ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट दोनों के सहारे से इस आरोपी को अरेस्ट किया गया। अभी इसका पहले इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये मच्छी वहाँ पे मच्छी मार्केट में काम करता है, तो कई दिन तक उस मच्छी मार्केट में भी इन लोगों ने कई स्टे किया, अभी से पहले भी किया था पर तब सफलता नहीं मिली, इस बार इनको बाद में मिली और उस आधार पे यहाँ का टेक्निकल नंबर मिला और उस बेस के ऊपर इसको सूरत से अरेस्ट किया गया। जी सर, 24 साल के बाद आरोपी को पकड़ के लाया पांडेसरा पुलिस ने, पुलिस को कितनी बड़ी कामयाबी मिली? डेफिनेटली बहुत अच्छी कामयाबी है, काफ़ी मेहनत की है इसमें इस टीम ने, तो टीम को भी अप्रिशिएट किया है और इनको सही इनाम देने के लिए प्रशंसा के लिए माननीय CP सर को ये प्रेषित किया जाएगा। क्या
इतने साल तक इसने क्या हथकंडे अपनाए, अभी से पूछताछ करेंगे तो जो भी चीजें सामने आएंगी आपको शेयर कर देंगे। और हत्या का कारण उस टाइम पे लोग फैक्ट्री में काम करते थे तो आपस में दूसरी बहस को लेकर के, और फैक्ट्री का ही कोई औजार जो मरण जनार है उसकी हेड पे मार दिया था, उस वजह से उसकी डेथ हो गई। नहीं और कोई गुनाह किया? ये पूछताछ करेंगे, जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको शेयर करेंगे। उस टाइम पे रिक्शा ड्राइवर, अभी रिक्शा चला रहा है कड़ोदरा एरिया। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इसने क्या क्या किया था वो सब आपको शेयर कर दें। नरेश सिमरन साथे CN24 न्यूज सूरत। हवे जुओ देश दुनिया नी तमाम खबरो तमारी आंगणी ना टेरवे, उठावो मोबाइल अने गूगल प्ले स्टोर पर थी डाउनलोड करो अमारी CN24 न्यूज मोबाइल एप।